हाय डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ने वाले हैं डीवाटरिंग। और डीवाटरिंग ये क्या है? डीप एक्सकवेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। और इम्पॉर्टेंट कंटेंट में क्या है ये डीवाटरिंग, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि डीवाटरिंग ये डीप एक्सकवेशन जो चैप्टर है उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये डीवाटरिंग क्या है, इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। इट मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल इज कॉल्ड एज डीवाटरिंग। इट मीन्स जो आपका ये सॉइल है, ठीक है, ये सैचुरेटेड पानी से तो है ही है, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर पानी है, तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए, इस पानी को जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पर पानी है, अब पानी है तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, तो इस पानी को निकालने के लिए जो चीज़ किया जाता है उसी को बोला जाता है डीवाटरिंग। ठीक है, डीवाटरिंग बोला जाता है। आगे देख सकते हैं कि उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी नेसेसिटी जान सकते हैं। तो नेसेसिटी क्या है, टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ साइड ऑफ ट्रेंच। जो साइड ऑफ ट्रेंच है, जो टिम्बरिंग किया गया है वो कलेप्स ना हो जाए, मतलब टिम्बरिंग तो नहीं किया हुआ, टिम्बरिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। टिम्बरिंग करने के बाद भी अगर कलेप्स होता है तो उसका रीज़न होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके रीजन से हो रहा है, तो वो एक्सेस ऑफ अमाउंट अगर वाटर निकाल देंगे तो ये कलेप्स नहीं होगा। ठीक है, ये डीप एक्सकवेशन में होता है। रिक्वायर्ड ऑफ वाटरिंग डीप एक्सकवेशन में होता है। टू कैरी आउट मशीनरी वर्क इन फाउंडेशन इजिली, अगर डी वाटरिंग हो गया है तो आसानी से हम मशीनरी वर्क वहाँ पर फाउंडेशन में कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इन वाटर लॉग एरिया है तो वहाँ पर नहीं कर सकते। फिर बाद अगर नेक्स्ट देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट फाउंडेशन कॉन्क्रीट और मशीनरी फॉर सीपेज वाटर। ऑब्वियसली कॉन्क्रीट हो या मशीनरी हो उसको सीपिंग वाटर से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डॉक हुआ या पाइल फाउंडेशन कर रहे हैं। तो फिर मेथड, कौन कौन से मेथड हैं जो डीवाटरिंग करने के लिए मेथड हैं, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, सम्स एंड डिचेस है। देखो मेथड के नाम भी याद रखोगे तो बहुत काम आएगा, उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, वो उस पॉइंट को लिख लोगे तो ये मेथड्स ऑफ डीवाटरिंग समझ में आ जाएगा। तो सम्स एंड डिचेस को मेथड का नाम है, सीमेंट ग्राउटिंग है, ठीक है, फिर बाद में सैलो वेल सिस्टम है, केमिकल प्रोसेस है, डीप वेल सिस्टम है, फ्रीजिंग प्रोसेस है, वैक्यूम मेथड है या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड है। ये सारे मेथड हैं पानी को निकालने के, अलग अलग मेथड हैं कि पानी वहाँ पे कैसे भी कम किया जा सके, कम मतलब नहीं रहे, तभी हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग वे हैं उसके तरीके को लेकर, और ये डीवाटरिंग किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके और डीवाटरिंग किया जाता है। आगे और देख लेते हैं, और जैसे वेल पंप सिस्टम था, तो जैसे देखिए डीप वेल सिस्टम में क्या होता है, इस तरह किया जाता है। यहाँ फिगर पे आप देख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज़ मोर सुटेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज मोर देन 16 मीटर। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन अगर 16 मीटर से ज़्यादा एक्सकवेशन कर रहे हैं तो डीप वेल सिस्टम यूज किया जाता है डीवाटरिंग करने के लिए। इलेक्ट्रोमोसिस किसके लिए किया जाता है, कि दिस मेथड यूज फॉर फाइन ग्रेन कोहिजी सॉइल, जहाँ पर फाइन ग्रेन कोहिजी सॉइल हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इज डेवलप बाय एलकेस ग्रैंडे, 1952 में एलकेस ग्रैंडे ने इसको डेवलप किया था ये मेथड को। ठीक है, आगे देख सकते हैं, आगे इतने पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके बताए हैं, इसको आपने रिवाइज करते रहना है और शॉर्ट में ही जानते रहना कि इसके मेथड क्या हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार पूरे लिख लें कि ताकि आपको एक एक पॉइंट ईजिली समझ में आ जाए। तो ये मेरी तरफ से था कि आपको ये और डीप एक्सकवेशन जो है वो मैं बता सकूं। तो इस तरीके से आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए कि ताकि ईसीटी के रिलेटेड जितने चैप्टर हैं वो सारे आप तक पहुंचाए जाएं और आपको सिखा दिए जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।